हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आहूजा के डीजे एम्पलीफायर के बारे में, जो कि बहुत ही तगड़ा और एच क्लास एम्पलीफायर है, जिसका मॉडल नंबर है TX3502। ये बहुत ही तगड़ा एम्पलीफायर है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और कितने वाट का इसमें बेस चला सकते हैं और टॉप चला सकते हैं। तो वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस हर वीडियो की तरह इस बार भी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और भी नए नए वीडियो बनाने में सहमति मिलती है। थैंक यू। जैसे कि मैंने बताया, ये एच क्लास एम्पलीफायर है और बहुत ही तगड़ा एम्पलीफायर है। इसका जो आप देख सकते हैं, आगे में डबल पंखा का ग्रिल दिया हुआ है, इससे कूलिंग हवा बाहर जाता है। इसकी जो कूलिंग फैन होती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह होती है। जब ये हीट होगा तो इसका पंखा ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, जब ये कूल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका पंखा बंद हो जाएगा। ये दो नोब देख रहे हैं, ये पावर बटन है और ये जो है इंडिकेटर है, फिलिप का है, प्रोटेक्ट है, सिग्नल का है और पावर का है, तो ये सारा है। और चलिए पीछे की फीचर देखते हैं। तो पीछे का फीचर ऐसा है, आहूजा का ये ब्रांडिंग आप देख ले रहे हैं। उसके बाद ये दोनों बॉक्स का सॉकेट हो गया, नीचे में टर्मिनल दिया हुआ है, आप डायरेक्ट तार लगा भी सकते हैं। ये आपका पावर केबल हो गया, ये फ्यूज हो गया, ये दोनों आपका फैन का ग्रिल हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है स्टूडियो मोनो और बीस का। इसमें जो है आप XLR जैक भी लगा सकते हैं, मोनो जैक भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर है सिर्फ बॉक्स के लिए। आइए इसके बाद फीचर्स भी कुछ कुछ हम लोग जान लेते हैं, एम्पलीफायर का डिटेल्स भी जान लेते हैं, कौन सा इसमें बेस चलेगा, कितना टॉप चलेगा, कितना बेस चलेगा। ये डबल चैनल एम्पलीफायर है, तो इसका दोनों चैनल 1750 करके आपको आता है। 8 ओम्स, 4 ओम्स, 2 ओम्स और ब्रिज मोड इसमें फंक्शन है। 8 ओम्स से आप 650 वाट चला सकते हैं, 4 ओम्स से 1200 चला सकते हैं, 2 ओम्स में 1750 चला सकते हैं। ब्रिज मोड इसमें आपका देता है 2400 वाट का, आप एक बॉक्स 2400 वाट का चला सकते हैं 8 ओम्स पे। और 4 ओम्स में अगर मान लीजिए डबल दो बॉक्स आपको चलाना है इसमें आप 3500 वाट का, तो इसका आउटपुट होता है बेस में जो काफी प्रेशर होता है इसमें, तो बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर के डिटेल्स में एक बहुत ही बेहतरीन चीज होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ऐसा होता है कि आपका अगर एम्पलीफायर गर्म हो जाए, मतलब हीट हो जाए, तो टेम्परेचर कंट्रोलर देता है उसमें। इसमें DC RFI और शॉर्ट सर्किट भी देता है, ओवरलोड फंक्शन भी है इसमें, AC ओवर वोल्टेज। अगर कभी बाय चांस ओवर वोल्टेज अगर इस एम्पलीफायर को मिल जाता है तो जल्दी कुछ इसमें नहीं होता है। बिल्ट इन लिमिटर, अगर स्पीकर पे आपका ज्यादा अगर आवाज जा रहा है तो ये बिल्ट इन स्पीकर दिया है, मतलब क्लिप जो सिस्टम देता है वो क्लिप आपको बताता रहेगा कि मेरे स्पीकर में ज्यादा पावर जा रहा है, आवाज ज्यादा जा रहा है, तो आप अपना वॉल्यूम से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसके वजन की देखेंगे तो इसका वजन आपका बहुत ही नॉर्मल रहता है, 37.5 kg वेट है इसका मात्र, और अच्छा काफी तगड़ा एम्पलीफायर है। इसका स्पीकर आप चलाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बेस चलाना चाहते हैं, तो इसका एक चैनल पे 650 और दूसरे चैनल पे 650 वाट का आप चला सकते हैं। मैंने आहूजा बॉक्स को दिया है क्योंकि आहूजा बॉक्स ही मतलब 650 वाट का कंपनी सेट दिया हुआ हूँ। तो आइए आगे जानकारी करते हैं कि 4 ओम्स में आप क्या चला सकते हैं। तो आइए 4 ओम्स में जो है आप टॉप चलाइए, बहुत ही बेहतरीन आपका रहेगा आवाज और लॉन्ग टाइम सर्विस भी होगा। इसमें आपका 600 वाट का आप चला सकते हैं 4 ओम्स में स्पीकर, 600 आपका 1200 वाट एक टॉप हो गया, दूसरा टॉप 1200। तो आप जानते हैं कि 4 ओम्स में जो 3500 का 2 का आउटपुट रहता है 1200 वाट का होता है, तो हम लोग 1200 वाट ही लोड दिए हैं एम्पलीफायर में, तो काफी अच्छा और बेहतरीन साउंड मिल जाएगा आपको। ओवरलोड भी नहीं होगा एम्पलीफायर में, ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपका जो आवाज होगा वो बहुत खिला खिला आवाज होगा और तगड़ा आवाज होगा। तो चलिए जानते हैं 2 ओम्स पे कितना आउटपुट देता है और कितना स्पीकर उस पे हम लोग डाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 ओम्स पे जो है आपका 4 टॉप चला सकते हैं, 400 वाट करके स्पीकर रहेगा, 4 × 800 एक टॉप और 4 × 800 एक टॉप, यानी दो टॉप मिलके आपका 8 × 1600 वाट होता है। और 2 ओम्स पे जो इसका आउटपुट होता है एम्पलीफायर का वो होता है 1750 में आप 1600 वाट ही लोड दे रहे हैं, तो 150 वाट क्या है वो बच रहा है। वो आप जब 4 स्पीकर चला रहे हैं तो थोड़ा दमदार आवाज भी होगा और थोड़ा सा एम्पलीफायर पे जो आप लोड दे रहे हैं उसके मुकाबले में 150 वाट फ्री बच रहा है, तो काफी ही बेहतरीन बजने वाला है आपका। और इसमें ट्यूटर जो आप लगाएंगे मात्र 80 वाट से 100 वाट तक आप ट्यूटर लगा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आवाज होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिज मोड है, ब्रिज मोड में कितना आउटपुट और बॉक्स आप दे सकते हैं 8 ओम्स 4 ओम्स में। आप 8 ओम्स में ब्रिज मोड में आप चला सकते हैं 2400 वाट का बेस, जो की बहुत प्रेशर आपको मिल जाएगा। और ये 4 ओम्स में जो आप दे सकते हैं, 4 ओम्स में आप 1500 दो बॉक्स चला सकते हैं बेस बॉक्स, 1500 वाट एक बॉक्स, 1500 वाट दूसरा
सस्ता बॉक्स 15x3000 तो ये आपका 4 ओम्स में 3000 वाट का अपलोड देंगे और एम्पलीफायर आपका आउटपुट देगा, तो एम्पलीफायर काफी बेहतरीन आपका चलेगा, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन चलेगा। तो चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो 4 ओम्स में आप चलाएंगे अगर तो इसमें ब्रिज मोड में होता है कि 3500 का आउटपुट होता है, तो आप 1500 के दो बॉक्स चला सकते हैं जो कि बहुत ही तगड़ा आवाज और प्रेशर के साथ आप चलाएंगे। तो खुल के बजाइए, बिंदास रहिए, 3500 बहुत ही जबरदस्त एम्पलीफायर है, तो आप चलाइए इसको, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। आपको कोई ना जल्दी स्पीकर जलेगा ना जल्दी एम्पलीफायर खराब होगा, क्योंकि आपका ओवर वोल्टेज इसको झेलने का क्षमता इसमें रखता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई एम्पलीफायर के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, स्पीकर के बारे में जानकारी चाहिए, तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाबों का वीडियो बनाने का, तो आपको वीडियो बना के समझा सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, ऐसे ही आप प्यार देते रहे, हमें अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।